नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब रेगुलर एक्सरसाइज करते होंगे। तो आज मैं एक एशियाई पेशेंट का रिकवरी शेयर करने वाला हूँ। तो आपने वीडियो देखा रहेगा अंकित सिंह का, उनका यहाँ से ऑपरेशन हुआ था, सर्वाइकल पे इंजरी हुआ था, C4, C5 एंड C7 पे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये वीडियो है, तो आप शायद आपने देखा होगा। तो उन्होंने रिकवरी बहुत अच्छा किया है। उन्होंने मुझे वीडियो भेजा और बोला कि भाई ये मेरा वीडियो है। तो मैं बहुत खुश हुआ कि मतलब ये बंदा अभी एक्सरसाइज उतना कर रहा है और हिम्मत नहीं हार रहा है, पॉजिटिव है और इसका रिकवरी भी दिख रहा है। अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, तो लेवल चाहे कोई भी हो, आपको रिकवरी दिखेगा ही दिखेगा। तो जैसे कि इनको डॉक्टर ने बोला था कि तुम कभी शायद चल नहीं पाओगे, तो लेकिन इन्होंने चल के दिखाया। इन्होंने मुझे वीडियो भेजा है, मैं ये वीडियो देख के ना बहुत खुश हुआ। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वीडियो, मैं ये वीडियो देख के इतना खुश हुआ ना कि बिना किसी सपोर्ट के, मतलब जैसे यहाँ पे रॉक क्लाइंब कर रहे हैं, नॉर्मल जो चढ़ाई होता है, रॉक क्लाइंब नहीं बोलेंगे, जैसे नॉर्मल चढ़ाई होता है, चढ़ने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए और हमारा बैलेंस ठीक होना चाहिए। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि बीच बीच में कैसे ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, एकदम पूरा नॉर्मल सीढ़ी जैसा नहीं है, और फिर इनका बैलेंस भी एकदम प्रॉपर है और अभी भी है, मतलब थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि 100% ठीक हो गए हैं, अभी भी थोड़ा बहुत बैलेंस का प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पहले जहाँ पे कुछ नहीं होता था, इनका फूड ड्रॉप था, इनका नी लॉक इन अनलॉक इन नहीं होता था, इनका जो भी है वो बैलेंस नहीं बनता था, बिना सपोर्ट के चल नहीं पाते थे, लेकिन अभी ये कर पा रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। शायद ये वीडियो देखने के बाद जो भी सर्वाइकल के पेशेंट है उनके अंदर कुछ ना कुछ हिम्मत बढ़ेगी, उनके अंदर कुछ ना कुछ हिम्मत जागेगी कि अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, कितना भी ये राइट लेग में थोड़ा सा फुट ड्रॉप है इनके और बैलेंस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी तो एकदम, मुझे तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। मतलब बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी वॉकर के, बिना किसी स्टिक के, देखे जैसे आप देख रहे हैं इतना इन्होंने ऊपर चढ़ के आया, जो कि इसमें बैलेंस प्रॉपर चाहिए, नी लॉक इन एंड लॉक इन आपको प्रॉपर होना चाहिए, तब आप ये कर पाएंगे। और ये वीडियो है, इन्होंने ये वीडियो शेयर किया था जब रात को उनको नींद नहीं आती है, बहुत ज्यादा पेन होता है, तो रात के मतलब 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जब भी इनको ऐसा सिचुएशन होता है कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है या फिर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो फिर ये एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो रात के 2 बज रहे हैं, तो ये एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। तो यही गाइज, यही डेडिकेशन चाहिए, तभी आपको रिजल्ट दिखेगा। जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि जब मेरा पेन होता था, जब मैं सोता नहीं था, तो मैं रात के 2-2, 3-3 बजे से अपने रूम में वॉकर लेके ठहरता था, फिर भी मम्मी बोलती थी या जो भी घर वाले बोलते थे कि सो जाओ, नींद जरूरी है, सो जाओ, नहीं तो फिर उठोगी नहीं, तो दिन भर सोओगे, कब एक्सरसाइज करोगे। तो 2-2, 3-3 दिन मुझे बीत जाता था सोते हुए, नींद ही नहीं आता था, पेन इतना ज्यादा होता था, इतना ज्यादा पेन होता था कि नींद ही नहीं आता था। तो उसको, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए क्या करना है, या तो फिर आप कहीं पे बिजी करो अपना माइंड, या तो आप इतना एक्सरसाइज में बिजी हो जाओ कि आपका माइंड भी बोले कि भाई इसमें बिजी है, चलो पेन कम कर देता हूँ। तो ऐसा होता है, जो भी आप अपना गोल सेट किए हो कि मुझे इस गोल तक पहुँचना है, तो क्या होता है, तो फिर आदमी को ना नींद नजर आता है, ना खाना नजर आता है, ना आपके आसपास के लोग नजर आते हैं, सिर्फ आपको फोकस नजर आता है कि मुझे वो चीज दिख रहा है, मुझे वो चीज अचीव करना है, कैसे भी मुझे कुछ ना कुछ करके मुझे वहां तक पहुंचना है। तो जब आप ऐसे मेहनत करते हैं ना, तब आपको रिजल्ट भी दिखता है। फिर लोग बोलते हैं कि सर मैं प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सब कुछ प्रॉपर कर रहा हूँ, तो मेरा कुछ नहीं हो रहा है। जब आप पूरा फुल फोकस के साथ किसी चीज के पीछे लग जाते हैं ना, तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है। इन्होंने एक वीडियो और भेजा था, और हाँ सबसे मतलब खुशी मुझे कब लगा, जब इन्होंने बाइक चला रहा था, मतलब बाइक नहीं स्कूटी चला रहे थे। मैंने बोला भाई साहब यहाँ पे लोग वॉक नहीं कर पा रहे हैं और आप स्कूटी चला रहे हो, मुझे भाई बहुत मजा आया। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जन को पीछे बैठा के ये स्कूटी भी चला रहे हैं बहादुर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब कि आप ये सोच सकते हैं कि ये धीरे धीरे इनका इम्प्रूवमेंट अभी 70-80% हो गया, थोड़ा जो 20% बचा है वो भी धीरे धीरे
हो जाएगा। और हाँ, लोग बोलते हैं कि मेरे से पूछते भी है, सर कितना टाइम लगता है, मैं कितने टाइम में ठीक हो जाऊंगा। इसमें टाइम का कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आप इतने टाइम में ठीक हो जाओगे। इसमें आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप इंजुरी ज्यादा है तो टाइम आपको ज्यादा लगेगा, इंजुरी कम है लेकिन फिर भी जो एक्सरसाइज है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। एक्सरसाइज आपको रेगुलर डेली करना पड़ेगा, आपको बिना एक्सरसाइज के आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप ना चल पाएंगे, ना बाइक चला पाएंगे, ना सीढ़ी चढ़ पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको डेली आपको एक्सरसाइज करना है। जैसे कि ये देख रहे हो, इसमें इन्होंने स्कूटी चला रहे हैं, बिना बैलेंस के आप स्कूटी चला ही नहीं पाओगे। आपके अपर बॉडी में बैलेंस होना चाहिए, आपके लोअर बॉडी में बैलेंस होना चाहिए, तभी आप स्कूटी क्या आप साइकिल तब चला पाओगे। तो आपके माइंड से जो भी इंफॉर्मेशन निकलता है स्पाइन के थ्रू, वो आपके हाथों और पैरों में जाता है। तो फिर जब आपका बैलेंस प्रॉपर रहेगा, आपका नी लॉकिन अनलॉकिन प्रॉपर रहेगा, आपका फुट ड्रॉप सही रहेगा, सब कुछ प्रॉपर रहेगा, तब आप साइकिलिंग कर पाएंगे, तब आप सीढ़ी चढ़ पाएंगे, तब आप स्लोप वाला जो जगह होता है, अभी चढ़ के दिखाया, स्लोप वाली जगह पे, स्लोप वाली जगह पे तो आपको और बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है। और नॉर्मल वॉक करना तो चलो फिर भी एक सीधा रास्ता रहता है, प्लेन रास्ता रहता है, तो आप इस पे चल लेंगे, क्योंकि वहां पे बैलेंस अगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हुआ तो चल जाए। लेकिन आप जब सीढ़ी चढ़ते हैं, उतरते हैं, या फिर जब आप ट्रेक करते हैं, उतरते हैं, चढ़ते हैं, तो आपका पैर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, आपका बैलेंस एकदम प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि माइंड से जो भी इंफॉर्मेशन निकले सब कुछ पैर उसको अब्सॉर्ब करना चाहिए, हर एक इंफॉर्मेशन को उसको यूटिलाइज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि माइंड कुछ और बोल रहा है और पैर गिवअप कर दिया, आप गिर गए, नहीं ऐसा नहीं है। जो आप सोच रहे हैं वो आप करिए, तब समझ लीजिए कि आपका बैलेंस प्रॉपर हो रहा है। तो आपने शायद इनका पुराना वीडियो भी देखा रहेगा, क्या कंडीशन था उस टाइम पे, फिर बीच में जब वीडियो शेयर किया था क्या कंडीशन था, अभी इन्होंने मुझे वीडियो शेयर किया अभी क्या कंडीशन है। फिर मैं इनका 1-2 महीने बाद या फिर 6 महीने के बाद इनके साथ मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा, तब आप देखना उस टाइम पे इनका क्या कंडीशन रहेगी। तो गाइस प्लीज आप हिम्मत मत हारिए, इसमें टाइम लगता है, अपने ऊपर भरोसा रखिए, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखिए, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए, आप एकदम हैप्पी रहिए, आप जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है वो अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना एक्सरसाइज कीजिए, तब जाके आपको वो रिजल्ट दिखेगा। इसमें टाइम लगता है क्योंकि जो हमारे न्यूरॉन्स रहते हैं, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड टिश्यू रहते हैं, वो बहुत स्लोली ग्रो करते हैं, इसकी वजह से टाइम लगता है। तो गाइस प्लीज प्लीज मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए और अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखिए, और अपना एक गोल सेट कीजिए कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, तब जाके आपको रिजल्ट दिखेगा। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर इन्फॉर्मेशन मिला होगा, या फिर कुछ ना कुछ जरूर सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और एशियाई भाइयों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।